Hello students, how are you all? I hope everyone is doing well. So students, uh, today I am going to teach you chapter 8, page number 54, The Daring Deserts. In this chapter, the word desert is synonyms with extremely harsh living conditions, acute shortage of water, sentient more. लैक ऑफ डाइवर्सम्स एंड द व्यू ऑफ एन एक्सपेंस एंडस्कैप डेजर्ट कवर अ लास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन फिफ्टीन डिग्री टू थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड फिफ्टीन डिग्री टू थर्टी डिग्री साउथ स्टूडेंट जो ये चैप्टर है द डायरिंग डेजर्ट आज हम इस चैप्टर में डेजर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे डेजर्ट्स का आप पर्याय मान सकते हो कि एक ऐसी हार्ड लिविंग कंडीशंस जहाँ पे पानी की कमी हो जहाँ बारिश की कमी हो जहाँ पे एक तरह से लाइफ फॉर्म जो है बड़ी डिफ़िकल्ट हो और जो डेजर्ट है ये हमारे अर्थ पे काफ़ी जो है बड़ा पार्ट इसने कवर किया हुआ है फिफ्टी टू थर्टी डिग्री नॉर्थ में और फिफ्टी टू थर्टी डिग्री साउथ में इक्वेटर पे और दे आर लोकेटेड मोस्टली नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डेजर्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट लुक एट टेबल पॉइंट टू नो अबाउट द सम ऑफ द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड वैसे बच्चों एक चीज बताऊँ कि डेजर्ट्स uh, जो होते हैं uh, अमन दो तो तरह के होते हैं एक तो हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है ठीक है हॉट डेजर्ट और कॉल डेजर्ट के बारे में अगर हमें ज़्यादा डिटेल पता करनी हो कि वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ हैं तो यू कैन सी टेबल एट पॉइंट वन एंड एट पॉइंट टू देखिए लुक ये सहारा डिजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है ये जो एट पॉइंट वन की जो पूरी टेबल है वो हॉट डेजर्ट्स की है और गोबी डेजर्ट वगैरह है जो नॉर्थन चाइना एंड साउथन मंगोलिया ये जो एट पॉइंट टू की जो है टेबल ये कोल्ड डेजर्ट यानी ठंड जो रेगिस्तान है वो है द टू पोलर रीजन अंटार्टिका एंड द आर्कटिक रीजन हैव ऑल्सो बीन क्लासीफाइड अंडर डेजर्ट रीज़न बट दे आर नॉन इज द पोलर डेजर्ट्स अभी जो है अंटार्टिका और आर्कटिक रीजन जो है ये दो तरह के डेजर्ट हैं रीजन लेकिन इन्हें पोलर डेजर्ट के नाम से जाना जाता है द अंटार्टिका डेजर्ट्स कवर एन एरिया ऑफ फॉर्टीन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एंड द आर्टिक डिजर्ट कवर एन एरिया थर्टीन मिलियन नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर ठीक है ये इसका जो है अंटार्क्टिक और आर्कटिक जो आर्कटिक जो डेजर्ट है वो एरिया है इनका इस तरह से अब इनका जो क्लाइमेट है द डेजर्ट कवर वन फिफ्थ पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ डेजर्ट जो है उसने पूरा वन फिफ्थ पार्ट पूरा लैंड जो है अर्थ का कवर किया हुआ है दे आर कैरेक्टराइज बाई एरिक क्लाइमेट कंडीशन द टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट इज द एक्सट्रीम इन द डे द टेम्परेचर कूड बी एज हाई एज फिफ्टी डिग्री सेल्सियस वेर इड इज जूरिंग द नाइट इट गुड फॉर इज लो इज़ टेन डिग्री सेल्सियस देखिए इसका जो दिन में जो टेम्परेचर होता है डेजर्ट का वो एक्चुअली में फिफ्टी डिग्री सेल्सियस जो है हाई पर पहुँच जाता है और रात को यही टेम्परेचर जो है वो टेन डिग्री सेल्सियस ही है जाता है द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द लैक ऑफ ह्यूमिडिटी इसका सबसे बड़ा रीज़न की यहाँ ह्यूमिडिटी जो है वो कम है क्योंकि यहाँ बारिश जो है वो कम होती है, पानी कम है द डेजर्ट गेट हीटेड वेरी फास्ट मेकिंग डेज अनबली हॉट जो डेजर्ट है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं एंड द डेजर्ट ऑल्सो कूल डाउन वेरी क्विकली आफ्टर सनसेट सो नाइट्स बिकम छिली अब ये जो मिट्टी जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है इसलिए यहाँ के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म यानी आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है बट यही ये टेम्परेचर देखिए टेन डिग्री सेल्सियस क्यों हुआ क्योंकि जो मिट्टी जो होती है वो जल्द ठंडी हो जाती है जब सनसेट होने के बाद तो यही टेम्परेचर हमारा जो गिर के डेजर्ट का जो है वो दस डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है ये सबसे बड़ा रीज़न है अब यहाँ की वेजिटेशन जो है वनस्पति के बारे में हम डिस्कस करेंगे देखिए द डेजर्ट प्रजेंट ए ग्रेट चैलेंज फॉर एनी लाइफ फॉर्म टू सरवाइव इन ऑर्डर टू सरवाइव इन द डेजर्ट रीज़न plants प्लांट्स uh, to the environment the desert द्लांट mostly have very long roots अच्छा एक चीज है कि यहाँ जो वेजिटेशन है वनस्पति है वो आप देख सकते हैं कैक्टस ठीक है और इस तरह जो, जो, मतलब की जो मतलब यहाँ की जो यहाँ हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और जो वनस्पति जो उगती है जो कुछ पेड़ पौधे जो उगते हैं वो कैक्टस के जैसे होते हैं यहाँ के लाइफ जो सरवाइव करना है किसी के लिए भी तो यहाँ वनस्पति के लिए भी इतना आसान नहीं है ठीक है वेजिटेशन के लिए भी तो क्योंकि यहाँ पानी की कमी है ठीक है और यहाँ का जो प्लांट्स होते हैं जो थोड़े बहुत जो प्लांट्स यहाँ उगते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग डेजर्ट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेते हैं जैसे कि द डेजर्ट प्लांट मोस्टली है वेरी लॉन्ग रूट्स इनके जो डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जड़ें जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं दैट अलाउ देम टू ट्रैप द मॉइस्चर फ्रॉम डीप तो इसकी वजह से ये जो मॉइस्चर है वो सोख सकती है आराम से डीप यानी गहराई से भी दे स्टोर वाटर फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन और पानी को जो है एक अलग कैपेसिटी होती है कि लंबे ड्यूरेशन में लंबे टाइम तक Uh, पानी को जो है स्टोर करके रखती है दीज प्लांट्स हैव वेरी फ्यू और नो लीव्स तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स जो होती है बहुत ही आप समझ सकते हो कि कम होती है है ना या होती ही नहीं है बिकॉज आवर लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे इंस्टीड ऑफ लीव्स दीज प्लांट्स हैव थ्रॉन्स और इन जो प्लांट्स होते हैं इन पे कांटे होते हैं दे हैव थिक स्टेम्स विथ वैक्स लाइक कोटिंग विच ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस बाई ई वेपोरेशन और ये कोटिंग जो होती है इसकी वजह से जो ई वेपोरेशन है वो भी कम से कम हो पाता है रोकता है तो कैक्टस ऐसे या ये जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली प्लांट्स जो है ये डेजर्ट में मतलब ये डेजर्ट जो एरिया होता है रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं उस तरह में पाए जाते हैं बबूल हुआ कैक्टस हुआ जो पानी को कम से कम ऑब्जर्व कर ठीक है वाइल्ड लाइफ है जो एनिमल्स हैव टू द हॉस्टाइल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ़ इनवेंस हीट लैक ऑफ वाटर एंड चोटेज ऑफ फूड ठीक है एयर लिजार्ड कैमल्स टूर्स डेजर्ट टोटो सैंड्रोज ठीक है रॉड रनर्स रोड रनर्स और डेजर्ट ग्स वल्चर्स स्कोरपिय डेजर्ट रेड्स एक्सेट्रा सम एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट्स अब ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि डिज़र्ट वगैरह जो है ये हॉक्स वगैरह पालकों वल्चर वगैरह ये जो है ये ये ऐसे जानवर हैं जो डेजर्ट में इजीली सरवाइव कर जाते हैं डेजर्ट टोटोज़ जो होते हैं टॉर्च जो होते हैं वो कैमल्स के बारे में आपको पता है कि कैमल्स कितने ही महीनों तक वहाँ पानी के बिना भी जी सकता है तो उनकी जो एक्चुअली जो उनकी जिस तरह से पेड़ हैं वनस्पति है डेज़र्ट की उसी तरह से इनको एक अलग ही एन्वायरमेंट ही सूट हो जाता है जैसे कि कैमल फॉर एग्जाम्पल कैन स्टोर ए हक क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी एंड सर्वाइव फोर डेज विदाउट वाटर इट कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ़ फेट स्टोर्ड इन इट्स हम सो दैट इफ़ द डज नॉट गेट फूड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन अभी ये इसमें एक अलग एबिलिटी होती है कि ये जो है uh, काफ़ी पानी फूड जो है वो स्टोर कर लेता है अपने हम पे उसे काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक Uh, इसकी ज़रूरत नहीं होती इट डज़ नोट डाईर हंगर इस वजह से ना तो मरता है और ना इससे ज़्यादा भूख फील होती है इट्स आई लेशिज़ प्रिवेंट द सेंड पार्टिकल्स फ्राम एंट्रिंग इन टू इट्स आइज एंड प्रोटेक्ट द कैमल फ्राम सनलाइट टू और जो ये कैमल होता है इनके आई लेशेज़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं तो ये जो रेगिस्तान uh, का जहाज़ इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि ये इस मौसम के अकॉर्डिंग एकदम सूटेबल होता है इसका जो बॉडी होता है और इसकी जो आईलेश है वो जो सैंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो आँखों में जाने से रोकते हैं इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स टू प्रिवेंट सेंट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द नोज और इसमें जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसकी वजह से भी सेंड पार्टिकल्स हैं वो इसके नाक में भी एंटर नहीं हो पाते इट कैन मॉडरेट इट्स बॉडी टेम्परेचर टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस और इसकी जो बॉडी होती है वो इस अकॉर्डिंग होती है कि इस टेम्परेचर में भी पानी जो होता है वो कम से कम एब्जॉर्व होता है लाइक कैमल्स अदर डेजर्ट एनिमल्स टू हैव एडेप्टेड दिल्विस्ट टू द एनवायरमेंट दे कम आउट फ्रॉम द फूड इट नाइट टू एस्केप द हीट अब है हुमेन लाइफ जो हुमेन पॉपुलेशन इन द डेजर्ट इज पास मोस्टली नोमेडिक ट्राइब्स लाइक द बेडिंगस ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑफ द वेस्टर्न सहारा लिव इन द डेजर्ट वैसे आपको पता है कि यहाँ की जो कंडीशन है क्लाइमेटिक कंडीशन है तो वो ज़्यादा वर्स्ट है देन यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं बट नॉमेटिक ट्राइप्स जो होते हैं घुमंतू टाइप के लोग नॉर्थ अफ्रीका में ठीक है वेस्टर्न सहारा में कुछ लोग हैं जो लोग यहाँ रहते हैं देन रेयर एनिमल्स ट्रेड फार्म हंट एक्सेट्रा तो ये लोग क्या करते हैं कुछ एनिमल्स जो हैं पालते हैं फार्मिंग के लिए और शिकार के लिए दे ट्राइब्स ट्रेडिंग के लिए दे ट्राइब्स मूव इन सर्च टू दे वेर दे कैन गेट फ्रेश वाटर और ये जो ट्राइब्स होते हैं ये ऐसे ऐसी जगह होती है जहाँ डेजर्ट में पानी अवेलेबल होता है कुछ ऐसा ऐसा मतलब कई सौ किलोमीटर के बाद ओएसिस जो होता है ऐसा छोटा सा पानी का सोर्स होता है तो ये लोग इन जानवरों के ज़रिए उस लंबे यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये है ओएसिस ये पानी का छोटा सा सोर्स है डेज़र्ट में और ये जो घुमंतु टाइप के जो लोग होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब पानी के लिए सर्च करते रहते हैं ठीक है थीके? अब आगे है आ, द डेजर्ट आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और कॉपर पेट्रोलीम नेचुरल गैस द एक्सट्रक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ बिन द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेजर्ट नेशन लाइक सऊदी अरेबिया कुवैत इराक एंड ईरान डेजर्ट जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो है वहाँ हैं जैसे आयरन है और uh, कापर है पेट्रोलीम नेचुरल गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा डेज़र्ट एरियाज़ में पाई जाती है आपको पता है सऊदी अरबिया कुवैत इराक एंड ईरान जो है इतने रिच कंट्रीज़ कैसे हुए बिकॉज ऑन क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा तेल मिनरल्स वगैरह यहाँ सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं पेट्रोल जो है और नेचुरल गैसेस वगैरह वहाँ उसका पूरा अच्छा खासा भंडार है तो सऊदी अरब वगैरह कुवैत इराक ईरान ये जो छोटी छोटी जगह है जो फुल ऑफ डेजर्ट जहाँ वनस्पति सिर्फ नाम मात्रे की है जहाँ पानी की इतनी किल्लत है लेकिन वहाँ इन मिनरल्स के होने की वजह से ये रिच कंट्रीज़ में गिनी जाती है तो बच्चों ये डेजर्ट जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और द डायरिंग डेजर्ट्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया है और आप ये जो है घर पर भी आप इसे एक बार रीड कीजिएगा इसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में ह्यूमन लाइफ के बारे में के क्लाइमेट वेजिटेशन और कितने टाइप के डेजर्ट्स होते हैं ये और आपकी जो पिक्चर्स हैं ये जैसे कि एनआईसिस है क्या होता है नॉमेडिक ट्राइब्स वगैरह के बारे में भी आप देखिएगा और बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय